हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ मिल्क फेशियल एट होम, जिसके लिए हमें लेना है 1 स्पून मिल्क और उसमें ऐड करना है 1 स्पून शहद। सबसे पहले हम फेशियल मसाज बना रहे हैं, उसके लिए हमने 1 स्पून मिल्क और 1 स्पून हनी ऐड किया है और उसमें ऐड किया है थोड़ा सा हल्दी। और अब मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल, और इसको मिक्स करके हम फेशियल मसाज पहले रेडी कर रहे हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स पहले मैं रेडी करके रख लूँगी, उसके बाद मैं स्टार्ट कर लूँगी अपना फेशियल। ये सारे फेशियल के 5 स्टेप्स मैंने रखे हैं, जिसमें फेशियल मसाज मैंने बना लिया। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ अभी स्क्रब। स्क्रब के लिए 1 स्पून मिल्क और उसमें ऐड करना है थोड़ी सी चीनी, शुगर और 1 स्पून हनी, और इससे भी ऐड करके अच्छे से रख ले रही हूँ। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स पहले रख ले रही हूँ, उसके बाद से मैं फिर मसाज स्टार्ट करूँगी। इसे आप मिक्स करके अच्छे से पहले रख लो। उसके बाद ये मेरा फेस पैक बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है 2 स्पून बेसन, और इसमें ऐड करने वाली हूँ और 2 स्पून इसमें मैंने ऐड किया है मिल्क और थोड़ा सा हल्दी। और ये मेरा फेस पैक रेडी है, ये मेरा फेस पैक है। सबसे पहले मैंने बनाया फेशियल मसाज क्रीम, उसके बाद मैंने बनाया स्क्रब, उसके बाद ये मेरा फेस पैक रेडी है। तो स्टार्ट करते हैं क्लिंजिंग से। क्लिंजिंग के लिए मैंने ये रॉ मिल्क, आपको हमेशा रॉ मिल्क मतलब कच्चा दूध ही इस्तेमाल करना है। रॉ मिल्क को कॉटन के हमें डिप करके अच्छे से पूरे फेस पे लगा लेना है। रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, जो कि स्किन ब्लेमिशेस को इन्हेंस करता है, और इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन B12, मैग्नीशियम, प्रोटीन होता है, जो कि हमारे स्किन के कलर को इन्हेंस करता है, थोड़ी सी लाइट करता है और ब्राइट करता है, ब्राइट करने में हेल्प करता है। तो उसके बाद मैंने एक कॉटन पैड की हेल्प से वाइप कर लिया है पूरे फेस को, और आप देख सकते हो इसमें डर्ट जो भी है सो सारी गंदगी इसमें निकल के आ जाती है। उसके बाद इस स्टेप को मैंने फिर अगेन से किया है, ताकि दूसरी बार में वो जो भी दूसरी बार में अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर इसे मैं वैप करके, क्लिंजिंग का जो मेरा फर्स्ट स्टेप था वो हो चुका है। अब दूसरे स्टेप में मैं करने वाली हूँ स्क्रब। स्क्रब के लिए इसमें मैंने शुगर ऐड किया है। शुगर में एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो डेड सेल को रिमूव करता है, और हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है, जो कि आपको पता होगा। इसको अच्छे से फेस पर स्क्रब कर लेना है, जब तक कि ये क्रिस्टल जो है वो सारे अच्छे से इस मेरे फेस में घुल ना जाए, तब तक इसे अच्छे से स्क्रब कर लेना है। और ये स्क्रब हमारे फेस के डेड सेल को रिमूव करने में हेल्प करता है, और हनी ऐड किया है तो ये हमारे फेस को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। इस स्टेप को करने के बाद हमें अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद हम करेंगे स्टीम। इसके बाद स्टीमिंग थर्ड स्टेप जो करना है, उसके लिए स्टीम लेने के लिए टॉवल को अच्छे से पानी में डिप कर देना है, पान गर्म पानी में डिप करके, और कुछ इस तरह से आप अपने फेस को अच्छे से स्टीम दे सकते और अच्छे से स्टीम देना है। नोज के साइड में फोरहेड पे, जॉ लाइन पे अच्छे से पूरे स्टीम ले लेना है। स्टीम लेने से क्या होता है कि हमारे सारे ओपन पोर्स जो वो हैं वो ओपन हो जाते हैं, वाइट हेड, ब्लैक हेड रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद ये मेरा सीरम जो रेडी किया था मसाज के लिए, फेशियल मसाज जेल, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छे से पूरे फेस पे लगाना है, फेस के हर एक पार्ट में, चाहे जॉ लाइन हो या चिक बोन, नोज़ के एरिया में, लिप, अपर लिप, लोअर लिप, नोज़ के एरिया में, फोरहेड, पूरे अच्छे से इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से मसाज दे देना है पूरे फेस को, और अच्छे से मसाज दे देना है। उसके बाद आप अपने टॉवल की हेल्प से इसे अच्छे से रिमूव कर लो। और उसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप, जो कि ये मेरा फेशियल पैक रेडी है, जिसमें हमने बेसन ऐड किया था, बेसन मिल्क और हल्दी का ये फेशियल पैक। इसे पूरे फेस पर अच्छे से लगा के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपने फेस को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।